हेलो फ्रेंड्स, आज हमने आलू हरी धनिया की सब्जी बनाई है। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है। वैसे तो हरी धनिया हरी सब्जी में डाली जाती है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है, ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको आज हम आलू के साथ बनाएंगे। आपको मेरी सब्जी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही प्लीज बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा जिससे मेरी कोई भी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए हमने 100 ग्राम हरी धनिया ली है और 3 हमने ये छोटे छोटे से आलू लिए हैं। और हमको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून ऑयल, 5 से 6 कलियां लहसुन हमने ली है और आधा इंच अदरक को हमने चॉप किया है। साथ ही हमने 1 हरी मिर्च को चॉप किया है। आधा चम्मच हमको चाहिए टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच चाहिए हमको धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हमको चाहिए मिर्च पाउडर। इसके साथ ही हमें नमक चाहिए टेस्ट के अनुसार और हमको चाहिए 1 चम्मच जीरा। इसके साथ ही हमको चाहिए हींग। अब सबसे पहले हम धनिया को अच्छे से ज्यादा से पानी में धुल लेंगे। इसमें बहुत मिट्टी होती है इसलिए हमें ध्यान रहे इसको हम ज्यादा पानी में 2-3 बार में निकाल के तब धुलेंगे। और इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। पीसने में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सूखा ही पीसेंगे। ये हमने जो आलू लिए हैं बॉयल किए हुए हैं इनको हम काट लेंगे और हम 1 लेमन का जूस निकाल लेंगे। अब आलू के हम इस तरह से पीसेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने आलू के पीसेस कर लिए हैं और साथ ही हमने ये अपनी चटनी बना ली है। इस चटनी में हमने हरी धनिया, हरा मिर्चा, लहसुन और नींबू का रस मिलाया है। साथ में थोड़ा सा नमक भी डाला है। अब हम पैन लेंगे। पैन में हम ऑयल डालेंगे। इसको गरम करेंगे अच्छे से। ये हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। हींग डालेंगे। अदरक डालेंगे। सिम करके हम अदरक डालेंगे और इसके साथ ही हम अपना हल्दी मिर्चा और धनिया तीनों पाउडर डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये पानी हमने जो जार को धुला था वही वाला पानी ऐड कर लिया है। अभी हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को हम खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने थोड़ा चटनी में भी डाला है इसलिए इसमें हम उसी हिसाब से नमक डालेंगे। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देखिए ये आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हमने ये जो धनिया का पेस्ट बनाया था उसको हम मिलाएंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। और इसमें जो हमारा थोड़ा सा पानी जो जार में
चटनी थी उसको धुल के जो पानी निकला था उस पानी को हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, लेकिन हम फ्लेम को सिम ही रखेंगे। हमारे 2 मिनट हो गए हैं, अब हम देखेंगे। देखिए ये हमारी सब्जी अच्छे से तैयार हो गई है। सारे मसाले आलू के साथ मिक्स हो गए हैं, ये हमारी सब्जी तैयार है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे।